हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और जैसा कि आपको पता है कि मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट करते हैं, तो हमें उसकी आदत हो रखी है, तो हमें नींद नहीं आई। हम रात में डिनर करके 11:30 तक सो गए थे, तो उसके बाद फिर हम अप्रॉक्स 2 बजे या 2:15 बजे उठ गए, फिर हमें नींद ही नहीं आई। फिर हमने बिग बॉस देखा, फिर हमने सोचा चलो यार अब क्या करें, फिर मैंने बोला चलो उठ ही जाते हैं। फिर मैंने जस्ट अभी 10 मिनट पहले कियांश को सुलाया है, तो अब उसके बाद फिर मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, और फिर उसके बाद करते हैं हम चाय वाय की तैयारी। मम्मी और वैशाली अभी स्टिल सो रहे हैं क्योंकि वो लोग लेट सोए थे, हम जब उठे थे तब वो सोए थे क्योंकि उनको उस टाइम सोने की आदत है। तो मैं आपको एक बार वेदर दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसी गुड मॉर्निंग होती है। सो ये रही दार्जिलिंग की मॉर्निंग, आप देख सकते हो कितना सुंदर वेदर है। ये जो मैं व्यू दिखा रही हूँ ना, ये जो मेरा व्यू है, ये मेरा व्यू है लिविंग एरिया से। तो मैंने चढ़ा दी है चाय, चाय पत्ती, दूध और इलायची ही डाली है क्योंकि कल किशन दूध और ये सब थोड़ा छोटा मोटा सामान ले आए थे शाम के टाइम। तो हो गई मेरी चाय रेडी और देखो मेरे बेडरूम से ये व्यू है। मैंने कहा था ना बहुत माउंटेन दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। देखो आप देख रहे हो बारिश बंद नहीं हो रही है, हवा बंद नहीं हो रही है कल से, और इतना ज़्यादा फॉग हो रखा है, विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रोड्स कहाँ पे है। बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। फाइनली हम निकल चुके हैं अपने रूम से और मैं, किशन और कियांश जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। थोड़ा सा देखते हैं कुछ खाने पीने का या फिर कुछ खरीदने का, क्योंकि मम्मी और विशाली ना ऑलरेडी ही मॉर्निंग में चले गए थे जब हम लोगों ने चाय वाय पी थी। उसके बाद ना बहुत धीमी बारिश हो रही थी, तो उन लोगों ने बोला था कि हम लोग होके आ जाते हैं और तो तुम लोग जाओगे कि नहीं जाओगे। फिर हमने बोला कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ भी है, लेकिन नहीं तो कि आंच का ना बच्चे के साथ तो थोड़ा देखना पड़ता है, तो इसलिए हम नहीं गए। मम्मी और बिछारी चले गए थे हल्की धीमी बारिश में, उन लोगों को मंदिर पे जाना था तो वो लोग मंदिर गए थे महाकाल के, और फिर वो लोग अभी आए। फिर जब वो लोग आए तो उसके मतलब आई थिंक 10 मिनट पहले ही बारिश बंद हो गई थी, बिल्कुल धीमी बारिश भी नहीं होती। तो फिर हमने सोचा चलो फिर हम लोग होके आ जाते हैं। तो फिर हम अब जा रहे हैं मॉल रोड। तो यहाँ पे ना ऐसी पतली पतली रोड है, आपको तो पता ही है कि पतली रोड्स होती हैं और वन वे है। ये रहा कियांश, ये रहा किशन। कियांश को देख लो सामने से एक बार, कियांश को देख लो भैया। स्टिल हम चल ही रहे हैं, वैसे इतना डिस्टेंस नहीं है अभी तक, हम सिर्फ हार्डली 7 या 8 मिनट चल रहे हैं। तो मैप के हिसाब से तो यही दिखा रहा है मार्केट। लेट्स सी अब मार्केट कौन सी है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख रहे हो स्टिल फॉग कैसे मतलब आ रही है रोड पे भी, विजिबिलिटी कितनी हाई है। ये देखो ये शायद स्टार्ट हो रहा है यहाँ से मार्केटिंग सारी, अभी मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो ये सो गया है, आज रास्ते में सो गया था ये। देखो वैसे तो यार जो अब तक मार्केट में देखा ना, सच बताऊँ तो हम जितने भी मार्केट घूम ले, चाहे वो हिमाचल की हो, दार्जिलिंग की हो, चाहे वो नैनीताल हो, देहरादून हो, मैंने चीज़ देखी है सेम चीज़ दिल्ली में ही मिलती है। एक दो चीज़ यूनिक मिल गई तो मिल गई, पर हर एक सेम चीज़ दिल्ली वाली ही है। मतलब जो आपको दिल्ली में मिल रहा है वही वो आपको यहाँ मिलेगा, पर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा क्वालिटी का फ़र्क हो जाता है। खाते अंदाज सब कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होती है, कोई सोच चुका है। और हम यहाँ पे स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं, चिकन लॉलीपॉप, तो देखते हैं कैसा होगा टेस्ट, वैसे तो होपफुली अच्छा ही होगा। ये देखो हमने एक प्लेट लिया, एक प्लेट में 4 पीस आते हैं, देखे तो बहुत ही हम लग रहा है, बहुत लंबा, ट्राई करते हैं देखते। गरम है पर बहुत टेस्टी है, और जो चटनी है ना यार, अगर आपको स्पाइसी पसंद है ना आपकी फेवरेट बन जाएगी चटनी, बहुत ज़्यादा टेस्टी चटनी है, स्पाइसी है फुल लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। ट्राई करते हैं मोमोज कैसे हैं, बहुत सॉफ्ट है, नेचुरल है बट गर्म बहुत है। नो डाउट हम मोमोज अलग अलग जगह के ट्राई करते हैं ना, तो सब में कुछ ना कुछ अलग टेस्ट होता है, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे पर बहुत अलग टेस्ट होता है। और इस मोमो का टेस्ट है ना बहुत अलग है, ऑफकोर्स आप भी जो ट्राई करते हो अलग होता है। जो स्टफ़ है ना यार इतना स्मूथ है, इतना जूसी है, बहुत अलग टाइप का, जबकि हम लोग भी घर पे बनाते हैं वो भी टेस्टी होता है, लेकिन फिर बोलते ना अलग फ्लेवर मिलता था और अच्छा लगता था, बहुत टेस्ट।
मॉल रोड से सीधा चलते चलते जो हमने मार्केट करी थी ना, वो मार्केट के सीधा अगर आप ट्राई करोगे तो यहाँ पे है न्यू महाकाल मार्केट, वहाँ पे पूरे लेक वगैरह हैं, तो आप बैठ बैठ सकते हो, व्यू इंजॉय कर सकते हो। चलो चलते हैं। ये देखो भैया मेरी की आंच को देखो, ये और ये हंस दो हंस दो हंस दो हंस दो हंस दो। ये देखो ये सेम मेरे पास भी है, मेरे पास डार्क ब्लू में है, मेरे को लैक में एब्सोल्यूट की मैं लिपस्टिक गई थी उसके साथ बहुत टाइम पहले, मुझे फ्री मिला था। ये भी बहुत सुंदर है यार, वॉल के लिए वाइट वॉल पे बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पे ना टी कॉफी ऐसे लेके बैठे हैं, फिर देखो ये सब बैठे हुए ना, तो अब हम लेंगे यहाँ पे टी। इस कटर आज कैसी है, और हम वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, थोड़े से थक गए हैं क्योंकि आंच भी है, और अब चाय वाय पीते हैं, देखते हैं। मुझे सब्जियाँ भी लेनी थी, सब्जियाँ देखती हूँ अगर मिलेगी कि नहीं, क्योंकि रास्ते में थी बट उस टाइम ले नहीं पाए, तो अब मार्केट में। ये आ गई है चाय, इलायची वाली है, प्रेगनेंस में बहुत अच्छी लग रही है, कॉस्ट टेस्टी भी होगी यहाँ पे। आपको चाय नहीं पूछा? देखो कैंच को देखो, कैंच अपना व्यू पॉइंट ले रहा है। ये स्ट्रीट फूड ना, हर पूरी मार्केट में स्ट्रीट फूड है, ये चिकन लॉलीपॉप, चिली चिकन, चिकन टिक्की, कीमा चिकन बॉल्स, बहुत टेस्टी टेस्टी है। हमने ले लिए कैब यहाँ से होटल तक के लिए, मतलब होम स्टे जहाँ पे रहता है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट दिक्कत ये है ना कि थोड़ी खड़ी हो जा रही टाइम, थोड़ा सा हो जाता है इतने टाइम में ना, अभी फिर बैठ गई है तो फिर वो थोड़ा हो सकता ज़्यादा, तो उससे चलो क्या करते हैं। अंदर पहुँच गए, थक गए, और यहाँ पे डिनर की तैयारी हो रही है, मम्मी आलू वालू कर रहे हैं, मैं वैसे सब्जियाँ लेके आई हूँ। तो हम ये मोमोज आए हैं, चिकन मोमोज है, वो वेज मोमोज है मम्मी और वैशाली के लिए, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं लिया आज क्योंकि हम कल ज्यादा देर के लिए गए नहीं थे, कल देखते हैं, कल जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लेंगे। और हमने ये लिया है प्लांट को, ज्ञान को आंटी बहुत पसंद है, मतलब ड्रीम कैचर बहुत पसंद है ज्ञान को, तो हमने इसमें ड्रीम कैचर लिया है, लेकिन थोड़े अलग तरीके का ड्रीम कैचर है, इसमें ना बेल्स भी है साथ में, तो इसलिए ये ज्ञान को बहुत पसंद है, मुझे भी ड्रीम कैचर बहुत पसंद है। और हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, और हमने ये लिया है, ये किचन है, ये मेरी स्कूटी के लिए लिया, किचन मेरी ख़राब हो रही स्कूटी के लिए, और ये दो मैंने लिए फ्रिज के लिए, होता है ना मैगनेट, तो दोनों मम्मी के लिए लिए, ये मैग्नेट है फ्रिज में लग जाता है, तो बहुत सुंदर लग रहा था इसलिए ले लिया। तो ये था आज का दिन, ज़्यादा नहीं घूम पाए बट ठीक है, एटलीस्ट बारिश बंद हुई तो हम कुछ तो घूम पाए, वरना इतना भी नहीं घूम पा रहे थे हम। तो अब बस मैं चेंज करूँगी, डिनर की तैयारी होगी, डिनर खाएंगे फिर रेस्ट करेंगे, कल देखो टॉय ट्रेन के लिए जाएंगे होपफुली अगर बारिश नहीं आई तो। बाकी ब्लॉग को करते हैं यही एंड, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय।